हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स इन योर ऑनलाइन इंग्लिश क्लास प्रोवाइडेड बाय योर स्कूल सुमित सिंह कॉन्वेंट स्कूल भूपिया मऊ प्रतापगढ़। आई एम योर इंग्लिश टीचर राहुल मिश्रा। टुडे आई एम हियर विथ योर इंग्लिश रीडर बुक। सो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी वेरी गुड एट योर होम एंड योर स्टडी इज गोइंग परफेक्टली विथ योर ऑनलाइन क्लासेस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर बुक दैट वॉट वी आर गोइंग टू लर्न टूडे। ओके, सो दिस इज अवर बुक। एवरीवन विल ओपन योर बुक एंड विथ अ पेंसिल इन योर हैंड। ओके, सो दिस इज द कंटेंट्स एंड as you know that we have done our chapter 1, chapter 2 and chapter 3 in our previous classes, and in our last class we were reading the chapter number 4, that is on page number 23. Okay, so let's move on our chapter number 4, the first chapter, the second chapter, the magic brush, and the third chapter, the magic broom. Okay, so this is our chapter number 4, Mother India. Okay, Bharat Mata, and we have done the reading of the chapter and as well as word meaning and question answers. Okay, so today we are going to do the next exercise, that is fill in the following blanks from the relations. Okay, हमें यहाँ पे fill in the following blanks में हमें चार sentence दिए गए हैं, बीच में एक space है, हमें यहाँ पे book से reading करके इन space को fulfill करना है। तो चलिए हम अपना word fill in the blanks शुरू करते हैं। first है हमारा India my स्पेस है लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ओके, सो हम चैप्टर में देखते हैं इंडिया स्पेस अ लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ओके, माई नेटिव प्लेस। ओके बच्चों, सो यहां पे हम क्या लिखेंगे, माई के बाद नेटिव प्लेस। ओके, तो सेम है, हमें इस चैप्टर से रीड करके इस स्पेस को फुलफिल करना है। नंबर टू है हमारा ट्रूथ नॉन वायलेंस स्पेस एंड प्योरिटी। सो मिडिल में हमारा होगा पीस, पीस एंड प्योरिटी। ओके, सो ये हमें आप दिस वर्ड इज हियर, दिस सेंटेंस इज अ सिंबल ऑफ ग्रेट किच वेयर ए होस्ट ऑफ पीपल विजिट क्वेंच देयर थर्स्ट ऑफ नॉलेज एंड टू लर्न अ लेसन फॉर लव ट्रूथ नॉन वायलेंस। स्पेस हमारा क्या है, पीस। ओके बच्चों, सो हमने मिडिल में क्या भरा, पीस। ओके, इसी तरह हमें रीडिंग करके अपने फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। ओके, यहाँ पे हमने पीस ऑलरेडी लिखा हुआ है। नंबर थर्ड है हमारा हु सेल्टर्स ऑल अराउंड ऑल फ्रेंड और एनिमी। ओके, एंड लास्ट है हमारा हैप्पी स्पेस ऑफ इंडिपेंडेंस, तो हैप्पी सेलिब्रेशंस, हैप्पी सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स हैज डन। नाउ नेक्स्ट है हमारा बच्चों चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये भी हमें चैप्टर से रीडिंग करके करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। ओके, फर्स्ट है हमारा हु इज द राइटर ऑफ द पोएम मदर इंडिया, डॉक्टर मुल्कराज आनंद, डॉक्टर पी के वर्मा, अरुदत्त, डॉक्टर निशा। देन डॉक्टर पी के वर्मा इज अवर राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है बच्चों हमारा इंडिया वॉज हिज नेटिव प्लेस एंड अ लैंड ऑफ पॉपुलेशन, अ लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, अ लैंड ऑफ पॉलिटिशियंस, अ लैंड ऑफ पिकॉक्स। हमारा राइट ऑप्शन है अ लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ओके, लास्ट वॉ इज द पोएट प्राउड ऑफ, सो हमारा ऑप्शन होगा बींग एन इंडियन, बींग अ पोएट, बींग एन ह्यूमन एंड बींग अ प्रोफेसर। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बींग एन इंडियन। ओके, सो दिस इज इट फॉर द एक्सरसाइज नंबर सी। Now the next exercise is your word power. Okay, बच्चों, so let's start that. Work with a partner, choose a phrase or word with each column and take turns to ask questions. The other partner should answer the question being asked. Okay, for example, do you do your homework regularly? Partner, usually, but not always. Okay, सामान्यता, लेकिन हमेशा नहीं। ओके, सो यहां एक्सरसाइज में हमें बच्चों यहां पे क्वेश्चन पूछने के लिए कह रहे हैं। ओके, यहां पे हमें ग्रुप के साथ किसी सामने वाले अपने किसी पार या साथी के साथ हमें क्वेश्चन पूछना है और हमारा पार्टनर उसका जवाब देगा। ओके, यहां पे एग्जाम्पल में हमें एक क्वेश्चन दिखाया गया है, Do you do your homework regularly? हम अपने साथी से क्वेश्चन पूछते हैं दैट
क्या तुम अपना होमवर्क करते हो रेगुलरली? तो ऑप्शन पार्टनर का आंसर होगा यूजुअली बट नॉट ऑलवेज, हाँ सामान्यता मैं करता हूँ बट हमेशा नहीं. ओके सो यहाँ पे कॉलम ए एंड कॉलम बी डू होमवर्क. सो कॉलम बी ए और कॉलम बी को हमें मैच करना है. ओके बच्चों सो हम मैचिंग करते हैं अपना डू होमवर्क. डू होमवर्क होगा बच्चों, होमवर्क का होगा रेगुलरली. ओके अपना होमवर्क रेगुलर करो या नियमित रूप से करो. ओके